आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो अगर जन्म में ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है तो काफी आसानी से बन जाता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में एक आध साल लेट हो जाता है तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि आपने क्यों लेट बनवाया। इसके साथ ही अगर आप हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल से ही बहुत ही आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन अगर जिस भी बच्चे का घर में होता है या फिर हॉस्पिटल में नहीं होता, कहीं और जगह होता है जन्म, तो ऐसे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है और वहां पर आपको काफी समस्या होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट से कैसे अप्लाई करते हैं। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि अगर आपके बच्चे का जन्म इंडिया से बाहर भी होता है, तब भी आप इस वेबसाइट के थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया में हुआ है, इंडिया में किसी भी स्टेट में हुआ है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको crsorgi.gov.in इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए आप इस वेबसाइट से काफ़ी सारे स्टेट्स के आप डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए से पहले आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए यहाँ पर आपको अपना एक यूज़र नेम डालना है, जो भी यहाँ पर आप यूज़र नेम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़र नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे वही मोबाइल नंबर आपके आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ इवेंट डालना होता है, यानी बच्चा आपका कब पैदा हुआ। आप जिस भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 दिसंबर को बच्चे का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर 1 दिसंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना होता है। सबसे पहले आप स्टेट चूज करेंगे कि कौन सा स्टेट है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है। यहाँ पर आपको विलेज एंड टाउन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप विलेज एंड टाउन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी, यहाँ से आप ग्राम पंचायत डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो देख सकते हैं थैंक्स फॉर योर रजिस्टरिंग, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको अपने ईमेल आईडी के थ्रू आपको अपना यूजर आईडी एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपने ईमेल आईडी में आना है। ईमेल आईडी पर आप चेक करेंगे तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा, देख सकते हैं कि सीआरएस यूजर रजिस्ट्रेशन का एक हमें मैसेज मिला है। ओपन करेंगे, नीचे यहाँ पर देखेंगे आपका लॉगिन यूजर आईडी मिलेगा, इस यूजर आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी मांगेगा, यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका अल्फान्यूमेरिक रहेगा, यानी स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, जैसे name@1234 ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है, जो यूजर आईडी आपके मेल में रिसीव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें यूजर आईडी मेल में मिला है, इस यूजर आईडी को हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। तो इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पे आएंगे, यहाँ पर हम यूजर आईडी पेस्ट कर देते हैं, जो हमने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर हम जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, बर्थ और डेट का। तो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ बर्थ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। एड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर मांगेगा। फॉर्म नंबर अगर आपके पास कुछ है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट आ जाएगा, जिस भी डेट को आप अप्लाई करेंगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बर्थ डेट डालना होता है, यानी जो भी आपका चाइल्ड है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे कि उसका जेंडर क्या है। यहाँ पर आपको उनका नाम डालना होता है, जो भी नाम रहेगा बच्चे का तो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट आईडी नंबर डालना होता है। अगर आपने अप्लाई किया है और आपको आधार कार्ड नहीं मिला है तो ये आईडी नंबर डाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड इशू हो गया है तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, आधार नंबर या फिर ये आईडी नंबर नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना होता है कि प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है। तो यहाँ पर आप हाउस मिलेगा, हाउस चूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने हाउस का कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। हाउस नंबर डालेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर डालेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रीट एंड लेन नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर लेन नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से पोस्ट ऑफिस डालेंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस रहेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है और विलेज है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना पिन कोड डालना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फादर की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। फादर की इन्फॉर्मेशन जो में जो भी फादर का नाम रहेगा, नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पर उनका लास्ट नेम डालेंगे। नीचे आएंगे, फादर का आधार नंबर डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर फादर की ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मदर से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको चाइल्ड का बर्थ का एड्रेस डालना होता है कि इंडिया में जन्म हुआ है या फिर इंडिया से बाहर हुआ है। अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो आउटसाइड इंडिया डालेंगे और यहाँ पर आपको वन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर इंडिया में हुआ है तो इंडिया डालेंगे। यहाँ पर आपको नाम डालना है, बिल्डिंग नंबर डालेंगे। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पर आपको हाउस नंबर डालना है, हाउस नंबर क्या है। उसके बाद आपका स्ट्रीट लेन नंबर आ जाएगा, यहाँ से आप स्ट्रीट लेन नंबर डाल देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा, पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से जो आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आएगा। अब परमानेंट एड्रेस पर ही जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा वही डिस्पैच होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा तो यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका जो ये एड्रेस आपने ऊपर फिल किया है, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर आप चेक मार्क कर देंगे, तो जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया है तो वही नीचे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ इनका यूजर आईडी आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फादर का रिलीजियस डालना है कि फादर का रिलीजन क्या है। यहाँ पर एजुकेशन लेवल में आपके फादर कितने पढ़े हुए हैं ये डालेंगे। अगर इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ पर आप इलिटरेट डाल देंगे। अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन चूज करना है कि आपके फादर क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स का एजुकेशन डालना है कि मदर का एजुकेशन क्या है, मदर क्या करती हैं, यहाँ पर डालेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर की एज डालनी होती है कि जब मदर की शादी हुई थी तब वो कितनी एज की थी। तो यहाँ पर 24 था तो मैंने 24 डाल दिया। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और उनकी एज क्या थी, आपको ईयर डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड डालेंगे, कितने चाइल्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अटेंशन ऑफ डिलीवरी डालना है कि बच्चे जो हुआ है किसकी देखरेख में हुआ है। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स भी डाल सकते हैं या फिर रिलेटिव जिसकी रहेगा, डॉक्टर नर्स, तो यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर नर्स के डिलीवरी में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी डालनी है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और यहाँ पर बच्चे का आपको वेट डालना है कि आपका बच्चे का वेट कितना है। उसके बाद यहाँ पर आप ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पेरेंट्स की कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यानी जो भी आईडी प्रूफ वगैरह रहेगा, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं। मैं पैन कार्ड दूंगा तो यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे पर पूरा फॉर्म आपका प्रीव्यू कर दिया जाएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि जो आपने फॉर्म फिल किया सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को यहाँ से आप
नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिल रहा है इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करके इस पीडीएफ को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर जो आपको रेफरेंस नंबर मिल रहा है, इस रेफरेंस नंबर के थ्रू ही आप बाद में ट्रैक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देना है। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रार का एड्रेस है, तो यहाँ पर एड्रेस भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार का एड्रेस क्या है। जो एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगा, इस एड्रेस पर इस फॉर्म को प्रिंट करके आपको जमा करना होता है। उसके बाद आपको अपने होम पेज पर आना है। अगर आपको फ्यूचर में कभी ट्रैक करना है कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है, तो यहाँ से आपको लॉग इन करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर सबमिशन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है तो जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, और यहाँ पर रिमार्क मिलेगा, यहाँ पर प्रोसीड व्यू दिखेगा। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक नए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को 21 दिन के अंदर, यानी जिस डेट को बच्चे का जन्म हुआ है उसके 21 दिन के अंदर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा। अगर 21 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको लेट चार्ज लगेगा, और अगर एक साल के बाद अगर आप बनवाएंगे तो आपको एफिडेविट भी लगवाना पड़ेगा, और जो आपका लेट फीस रहेगा वो भी आपका लगेगा। और अगर आप एक साल के बाद अप्लाई भी करते हैं तो आपको रीजन भी देना होगा कि आप क्यों इतना लेट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको एक पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट बस देना होता है, और कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी है। इस तरीके से आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।